नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नई योग सीरीज़ के अंदर। आज हम फिर से एक नया आसन लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है वज्रासन। तो वज्र का मीनिंग ऐसा है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वेपन, ऐसा स्ट्रॉन्ग हथियार जो इंद्रदेव के पास था, और उनका मेन पर्पस था कि वो कोई भी हथियार के ऊपर वार करेंगे तो वो सामने वाली चीज़ टूट जाएंगी, क्योंकि ये वज्र एकदम स्ट्रॉन्ग वेपन की तरह बनाया गया था। तो उसका जो रिलेशन है हमारे आसन के ऊपर, तो यही है कि अगर हम वज्रासन रेगुलर बेस के ऊपर करेंगे, आपके जो पैर है उसके जो अंदर जो मसल्स है या फिर उसके अंदर जो जॉइंट है, उसको हमें ज़िंदगी भर के लिए स्ट्रांग रखना है। वज्र की तरह हमें उसको स्ट्रांग रखना है। तो आइए जानते हैं कि वज्रासन किस तरह से करना है, कैसे करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वज्रासन करने के क्या फ़ायदे हैं, वज्रासन किसको नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे इस आसन के अंदर डिटेल में। तो आइए जानते हैं वज्रासन किस तरह से करना है। वज्रासन, इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें, और फिर अपना बायां पैर भी मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हों और आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें, और कुछ देर तक आराम से रहें। वज्रासन से आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। ये आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सायाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों यानी एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया ये आसन ना करें। बवासीर के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें, और फिर अपने शरीर को बाईं ओर झुकाते हुए अपने दाएं पैर को भी सीधा कर पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रूप से वज्रासन करने से आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही आपके मन को शांति मिलती है और चिंता व तनाव से भी निवारण होता है। तो आपने देखा दोस्तों कि ये आसन वज्रासन किस तरह से किया जाता है, वज्रासन करने के क्या फायदे हैं, वज्रासन किसको नहीं करना है। तो आप डिटेल में ये आसन को आपने सीख लिया है, तो अभी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नीचे कमेंट में बताएं कि वज्रासन करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है आपके पैरों को और ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए, आपके डाइजेशन को और इम्प्रूव करने के लिए। और कमेंट में बताते जाए कि आपको किस तरह के आसन फ्यूचर में पसंद है। मेरी तरफ से अगर मैं पॉसिबल होगी तो सारी आसन आपको आपके लिए पेश करता रहूँगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करते जाए। थैंक यू।